नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये राजस्थान ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोपेन का वर्गीकरण। ये जो कोपेन का वर्गीकरण है ये वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है इसके अंदर। तो एक बार इसको आराम से पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर करें, इसको पूरा एक बार देखें और कम से कम 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करें, तब जाके कोपेन का वर्गीकरण है ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं कोपेन का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की संरचना को इस ग्लोब की सहायता से समझते हैं। ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब को हम क्या कर देते हैं, दो ध्रुवों में बांट देते हैं। इसके दोनों जो सिरे हैं, इन दोनों सिरों को दो पोलर रीजन या दो ध्रुवों के अंदर बांट देते हैं। एक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कह देते हैं और एक ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब इस ग्लोब के मुख्य केंद्र बिंदु, इस ग्लोब के केंद्र बिंदु से लगभग मध्य भाग से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं और यह काल्पनिक रेखा इस संपूर्ण ग्लोब को दो समान भागों में बांट देती है। यानी हमारे द्वारा ग्लोब के मध्य भाग से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। यह केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा है जो इस संपूर्ण ग्लोब को दो समान आधे आधे भागों में बांट देती है। इस रेखा को 0 डिग्री भी कह देते हैं, विषुवत रेखा भी कह देते हैं, भूमध्य रेखा भी कह देते हैं और इसे इक्वेटोरियल लाइन भी कह देते हैं। इसी विषुवत रेखा के उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर लगभग 23.5 डिग्री हम एक और काल्पनिक रेखा खींचते हैं ग्लोब पर, और इसे हम कह देते हैं कर्क रेखा। देखिए, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री एक और काल्पनिक रेखा ग्लोब पर खींची जाती है, जिसे कर्क रेखा कह देते हैं। यह देखिए, कर्क रेखा का महत्व भारत के लिए और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण कर्क रेखा भारत के कुछ राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, राजस्थान के संबंध में कर्क रेखा की बात करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये कर्क रेखा को रिप्रेजेंट कर रही है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई थी। कर्क रेखा यहाँ पर देखिए, ये जो जिला है ये बांसवाड़ा जिला है और कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य भाग से जा रही है, कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। डूंगरपुर में भी देखिए, ये जो हिस्सा है ये डूंगरपुर का हिस्सा है। डूंगरपुर के कुछ भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यानी राजस्थान के दो ऐसे ज़िले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा है वो गुजरती है। एक तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में तो कुशलगढ़ तहसील से बांसवाड़ा के लगभग मध्य भाग से गुजरती है, और डूंगरपुर जो है इस डूंगरपुर के कुछ भाग से होकर गुजरती है। यानी हम कहें कि लगभग जो राजस्थान है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसी तरह विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर एक और काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिसे मकर रेखा कहते हैं। यह मकर रेखा जो है यह 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर खींची जाती है। अब हम कहें ग्लोब पर हमने तीन काल्पनिक रेखाएं खींच दी और ग्लोब को डिवाइड किया। सबसे पहले तो 0 डिग्री या जिसे विषुवत रेखा कहते हैं केंद्र बिंदु पर खींची और दो समान भागों में ये बांट देती है। एक हमने 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर मकर रेखा खींची। ये तो हमने जनरल बात की है पृथ्वी की एक संरचना की। अब हम इसकी तुलना करेंगे सूर्य के साथ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियाँ करती है, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति, और इन गतियों के द्वारा सूर्य के सापेक्ष लगातार इसकी स्थिति बदलती रहती है। ये यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि पृथ्वी की परिक्रमण और परिभ्रमण गतियों के कारण सूर्य के सापेक्ष लगातार इसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। देखिए क्या परिवर्तन आता है, चेक करते हैं। एक डेट हमें याद रखनी पड़ेगी, 22 दिसंबर। इस 22 दिसंबर से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, 22 दिसंबर को जो है ये सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति होती है यहाँ पर, और यहाँ से सूर्य की जो सीधी किरणें हैं
वो पड़ती है मकर रेखा पर, यानी इस समय सूर्य लगभग पृथ्वी के दक्षिणी भाग में मकर रेखा पर अपनी सीधी किरणें गिराता है। अब देखें हम 22 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि धीरे धीरे ये जो सूर्य है ये मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर जा रहा है। एक्चुअल के अंदर ये वर्ड हम सिर्फ समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाकी सूर्य कहीं नहीं जा रहा, पृथ्वी अपनी गतियों के कारण लगातार सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन कर रही है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य विषुवत रेखीय हो जाता है। जनवरी, फरवरी और मार्च, देखिए 21 मार्च, 21 मार्च के दिन सूर्य की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष इस प्रकार से है कि सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, यानी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर तो पड़ती है सीधी, और कर्क रेखा और मकर रेखा पर इसकी रेखाएं पड़ती, इसका जो प्रकाश है या सूर्य की किरणें पड़ती है वो होती है तिरछी। मैंने पहले कहा था विषुवत रेखा जो है ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, या हम कह सकते हैं एक मध्य भाग है जो दो समान भागों में इनको बांट रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर दिन व रात 21 मार्च के समय बराबर होंगे। 21 मार्च के बाद सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, और मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 21 जून को सूर्य की स्थिति होती है ये, यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी या लंबवत पड़ती है। देखिए थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर के तो कुछ हिस्से से गुजरती है, वह बांसवाड़ा के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसके बाद हम देखें 21 जून के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखिए हमने देखा था कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, ये बात हो गई। फिर हम कहें कि कर्क रेखा पर सीधा चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध का यह सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून। और 21 जून के लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये हो गई कि जब से मोदी जी आए हैं 21 जून को इन्होंने क्या शुरू करवा दिया, 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इन्होंने शुरू करवा दिया, तो ये 21 जून से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें थी। देखिए 21 जून के बाद वापस सूर्य की जो स्थिति है वो विषुवत रेखा की ओर होनी शुरू हो जाती है। 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य वापस विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, और इसके बाद में अक्टूबर, नवंबर और 22 दिसंबर, 22 दिसंबर वो डेट जिसमें हमने कहा था कि सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट डेट है एक 22 दिसंबर जिस पर हमने कहा था मकर रेखा पर सीधा चमकता है, एक 21 मार्च जिसमें हमने कहा सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर, जून के बाद में फिर हमने कहा था जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर यानी 23 सितंबर को फिर विषुवत रेखा पर, और फिर वापस 22 दिसंबर। इस प्रकार से हम देखें कि सूर्य की जो स्थिति है वो विषुवत रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा और मकर रेखा यहाँ पर लगातार बदलती रहती है। अब थोड़ा सा इन डेट के बारे में देख लेते हैं क्योंकि कई बार सीधा इन डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखें 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों ही दिन ऐसे हैं जहाँ पर हमने कहा था कि सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें जो है वो विषुवत रेखा अक्षांश पर पड़ती है, 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ती है। अतः दोनों गोलार्धों में इस समय सूर्य की बराबर तिरछी किरणें पड़ती है जिससे दिन व रात इस समय बराबर होते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि किस समय बराबर होती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट हमने डेट देखी थी 21 जून, 21 जून को हमने कहा था कि सूर्य की अधिकतम सीधी किरणें हैं वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश का मतलब कर्क रेखा पर पड़ती है। फिर हमने कहा कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ने के कारण 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो गया, और इस समय तापमान भी क्या होता है सबसे सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट हम देखें एक डेट हमने देखी थी 22 दिसंबर, देखिए 22 दिसंबर जो है इस 22 दिसंबर में सूर्य जो है वो 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश पर स्थित होता है, यानी मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। तो 22 दिसंबर के बारे में हमने कहा था कि 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का तो छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो गया। नेक्स्ट हम देखें थोड़ी सी यहाँ पर 21 जून से संबंधित, देखिए 21 जून से संबंधित हम कहें राजस्थान का प्रभाव देखते हैं, राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, तो राजस्थान में सूर्य की अधिकतम लंबवत किरणें कहाँ पड़ेगी। देखिए राजस्थान हमने कह दिया था राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो अधिकतम लंबवत किरणें जो हैं वो कहाँ पड़ती है, सीधी किरणें वाले जो जिले हैं वो हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। अब राजस्थान के जलवायु प्रदेश की बात करें, इससे पहले हम पृथ्वी की जलवायु को विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। हमने कहा था कि लगभग मध्य भाग से 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा गुजरती है। इस विषुवत रेखा पर हम देखें तो वर्ष भर सूर्य की यहाँ पर सीधी किरणें गिरती है, जिसके कारण लगभग इसके 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और इस विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, यानी कर्क व मकर रेखा के मध्य का भाग। इस पूरे भाग में जो जलवायु है वो उष्ण पाई जाती है, यानी गर्म जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्ष भर साल भर यहाँ पर सीधी पड़ती है, और यही कारण है कि यहाँ पर वर्ष भर जो परिस्थितियाँ हैं, वातावरणीय परिस्थितियाँ, वो लगभग एक जैसी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्ष भर एक जैसी परिस्थितियां रहने के कारण यह क्षेत्र जीवन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण सबसे अधिक जीवों में विविधता व प्लांट्स में विविधता पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से देखें तो ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही रिच होता है। यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कई बार एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है, तो हम पढ़ते हैं अमेजन वन के अंदर, और ये ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं। ये जो अमेजन वन वाला क्षेत्र है ये भी इसी एरिया के अंदर आता है। अमेजन वन के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि इन अमेजन वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े कहने के पीछे रीजन ये है कि पूरी पृथ्वी पर लगभग जितनी ऑक्सीजन पेड़ों के द्वारा प्राप्त होती है उसका लगभग 6% से अधिक हिस्सा सिर्फ अमेजन वन के जो क्षेत्र हैं, अमेजन वन वाला जो क्षेत्र है उससे प्राप्त हो जाता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर हटेंगे, जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होती है, लगातार तिरछी होती जाती है, जिससे यहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन होगा। उष्णता धीरे धीरे कम होती जाएगी और शीत जो है वो जलवायु धीरे धीरे बढ़ेगी। देखें विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर 40 डिग्री अक्षांश की ओर बढ़ें, और इसी तरह विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर भी 40 डिग्री अक्षांश। यहाँ पर 40 डिग्री अक्षांश दोनों तरफ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में जलवायु को देखा जाए तो ये जलवायु होती है उपउष्ण। उपउष्ण का मतलब उष्ण के नज़दीक, उप का मतलब हो गया निकट, यानी पूरी तरह से उष्ण नहीं है लेकिन उष्ण के नज़दीक परिस्थितियाँ यहाँ पर जलवायु की पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे बढ़ें ध्रुवों की ओर। अब हम कहें कि यहाँ से हम क्या कर देते हैं, विषुवत रेखा से और दूर हटते जाते हैं और ध्रुवों की ओर नज़दीक पहुँचते जाते हैं। तो देखिए ये रह गई विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर 60 डिग्री अक्षांश और दक्षिण की ओर भी 60 डिग्री अक्षांश, ये यहाँ पर साउथ है, 60 डिग्री अक्षांश। दोनों ही तरफ हम जलवायु की परिस्थितियाँ देखें तो यहाँ पर अब वातावरणीय परिस्थितियाँ वो होंगी
शीत के नज़दीक यानी शीतोष्ण परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाएगी। तो देखिए जलवायु जो है यहाँ पर जलवायु 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में शीतोष्ण, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के बीच में भी शीतोष्ण या शीत उष्ण जलवायु पाई जाएगी। ध्रुवों पर देखें तो 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ भी दक्षिणी ध्रुव पर भी 60 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ध्रुवों पर बिल्कुल शीत परिस्थिति पाई जाएगी, शीत जलवायु पाई जाएगी। कारण ये रहेगा कि सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछापन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वर्ष भर यहाँ की जलवायु है वो लगभग कैसी रहती है, शीत रहती है। एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पर जलवायु के बारे में। देखिए वर्ष भर सूर्य की स्थिति के सापेक्ष अगर हम देखें तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर और 23.5 डिग्री ही दक्षिणी ध्रुव की ओर, दोनों तरफ यहाँ हम कहें तो 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ लगातार क्या रहेगी, जलवायु कैसी रहेगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु रहेगी। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव दोनों तरफ 23.5 डिग्री से 40 डिग्री के बीच की जलवायु जो है वो रहेगी उप उष्ण, उप उष्ण। ये दोनों तरफ जलवायु क्या होगी, 23.5 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में ये रहेगी उप उष्ण यानी उष्ण के नज़दीक। जैसे जैसे और ध्रुवों की ओर बढ़े तो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में जलवायु रहेगी शीतोष्ण और ध्रुवों पर 90 डिग्री, 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में परिस्थितियां रहेंगी शीत। यहाँ देख लें 23.5 डिग्री उत्तर ध्रुव और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, जलवायु कैसी, उष्ण कटिबंधीय। फिर हम कहें 23.5 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में जलवायु उपोष्ण, उष्ण के नज़दीक। 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में शीतोष्ण और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की जो जलवायु है वो रहेगी शीत जलवायु। अब हम हमारा कोपेन का वर्गीकरण शुरू करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए कोपेन का जो वर्गीकरण है इसमें तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जो जलवायु है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो वनस्पति, एक इसके अंदर दे रखा है वर्षा और एक दे रखा है टेम्परेचर। तो वनस्पति, वर्षा और टेम्परेचर, इनके अकॉर्डिंग जलवायु को हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो हमने ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ी थी वो इस चार्ट के अंदर बना लेते हैं। देखिए ये चार्ट बनाना अगर हम सीखे तो कोपेन का वर्गीकरण है ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और सारे जो सवाल आते हैं एग्जाम्स के अंदर वो इससे सोल्व हो जाएंगे। देखें ऊपर जो हमने ग्लोब के अंदर जो परिस्थितियां देखी थी वो सारी की सारी हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए हमने कहा था विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की ओर, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का संपूर्ण भाग। यहाँ पर हमने कहा था जलवायु कैसी, उष्ण कटिबंधीय, लिख लिया। नंबर दो हम कहें 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश, दोनों पर ही हमने कहा था जलवायु कैसी 40 डिग्री और 40 डिग्री पर कैसी उपोष्ण, उपोष्ण यानी उष्ण के नज़दीक। नेक्स्ट हम कहें 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश, जलवायु कैसी शीतोष्ण, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, यानी 60 से 90 की बात कर रहे हैं, जलवायु कैसी ध्रुवों पर शीत जलवायु। ये चीज़ें हमने लिख ली, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनका नाम देना है। लेकिन नाम देने से पहले इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ते हैं। जब हमने कहा उष्ण जलवायु है, गर्म जलवायु है, तो हम कहें गर्म के साथ साथ शुष्क को जोड़ दें, सूखा, शुष्क, और ये शुष्क या ड्राई जो है इसको जोड़कर हम क्या बना दें यहाँ पर, ये जो चार्ट है इसको कंप्लीट करें। और अब हम क्या करेंगे, इस चार्ट को सिर्फ ABCD के नाम से लेबल कर देंगे। यहाँ पर ABCD से कोई मतलब नहीं निकलता है कि कोई फुल फॉर्म होगी या कुछ होगा, नहीं, कोपेन ने सिर्फ इनको सिंबल के रूप में यहाँ पर अल्फ़ाबेट को यूज़ किया। देखें सीक्वेंस से लिख दें ABCD और E।
ये हमने सीक्वेंस से अल्फाबेट इसके सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था कोपेन का वो था वर्षा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, वर्षा के आधार पर थोड़ा सा इसमें डिवाइड कर लेते हैं। देखें, शुष्क परिस्थितियाँ कब होंगी, सूखा कब होगा, जब वर्षा क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी, 50 सेंटीमीटर से कम होगी। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चार्ट में भर देते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट था, पहला जल वनस्पति थी हो गई वर्षा, और वर्षा के बाद हमने कहा था तीसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, टेम्परेचर। तो अब हम क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। देखिए, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है और वहाँ पर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, तो सीधी सी बात है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो गया, हॉट। तापमान भी ज़्यादा है और वर्षा हो रही है कम। तापमान ज़्यादा है, वर्षा कम है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट जलवायु कैसी होगी, गर्म, और गर्म को रिप्रेजेंट कर दिया हॉट। और ये जो हॉट में जो एच है, स्टार्टिंग जो अल्फाबेट है, वो हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर के अंदर लिखेंगे। दूसरी तरफ हम कहें कि तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम है, अगर 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, सूखा तो है लेकिन सूखा कैसा, ठंडा और शुष्क हो जाएगा, ठंडा और साथ में कैसा, शुष्क। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ठंडे के लिए वर्ड यूज़ किया है काल्ट। काल्ट का मतलब होता है कोल्ड, और काल्ट को रिप्रेजेंट किससे कर दिया, के से, ये सिंबल है इसका। नेक्स्ट और आगे बढ़ें, देखें राजस्थान के अंदर अगर कोई कहे कि ये जो परिस्थिति है, ये जो जलवायु की परिस्थितियाँ हैं कि 18 डिग्री से कम तापमान हो और वर्षा भी क्या हो 50 सेंटीमीटर से कम हो, क्या ये परिस्थितियाँ राजस्थान में मौजूद है, बिल्कुल नहीं, राजस्थान के अंदर ये जलवायु उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे हम यहीं पर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि ये जो दूसरी परिस्थिति है जिसमें हम कहें 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा है और 50 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है, रेगिस्तानी एरिया है उसके अंदर ये होती है बिल्कुल। अब हम कहें इसको भी हम क्या कर देते हैं, दोबारा वर्षा के आधार पर हम इसको क्या कर देते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। अब हम कहें इस 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले एरिए को भी 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। एक जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, हमने पढ़ा हुआ है भौगोलिक प्रदेश के अंदर, हमने पढ़ा था ये जो उत्तर, ये उत्तरी पश्चिमी जो रेगिस्तानी प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पर क्या होता है, वर्षा 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम होती है, जैसलमेर जोधपुर वाला ये जो एरिया है। तो हम कहें एक तो 25 सेंटीमीटर से वर्षा क्या हो, कम हो, और दूसरा कौन सा, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक हो। ये दोनों चार्ट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं और इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब हम कहें कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है और तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट क्या हो गया, जलवायु क्या होगी, शुष्कतम, शुष्क में भी उच्चतम हो गया ये शुष्कतम, और इसको हम क्या कह देते हैं, वार्म्ड कह देते हैं। और वार्म्ड जो है, इस वार्म्ड के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं स्टार्टिंग डब्ल्यू से। वार्म्ड के लिए हमने क्या कर लिया, डब्ल्यू सिंबल यूज़ कर लिया। अगर हम कहें दूसरी तरफ हम देखें कि वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है, 25 से कहाँ तक हो रही है, 50 सेंटीमीटर तक हो रही है, तो यह शुष्क में भी क्या हो गया, अर्ध शुष्क है, तो इसे हम कह देते हैं सेमी, सेमी वर्ड यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। और सेमी के अंदर हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल एस का स्टार्टिंग है वो यहाँ पर। अब देखिए कोपेन के अकॉर्डिंग, कोपेन ने जो सिंबल यूज़ किए हैं जलवायु के लिए, इस एरिया के लिए कोपेन वर्ड यूज़ करता है सिंबल के रूप में जलवायु के लिए BWH और स्मॉल का H। देखिए चार्ट को थोड़ा सा, चार्ट के स्टार्टिंग में जाइए, B के लिए हमने B को किससे रिप्रेजेंट किया था, हमने कहा था शुष्क, और शुष्क के लिए हमने क्या किया था, B जो अल्फाबेट है वो यूज़ किया था, तो B का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, शुष्क। फिर देखिए W आता है, अभी अभी हमने देखा था कि W है वो किसके लिए यूज आ रहा है, वार्म्ड के लिए, और वार्म्ड का मतलब क्या हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक हो और 25 सेंटीमीटर से वर्षा भी कम हो, तो ये जो W है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वार्म्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्मॉल एच, देखिए स्मॉल एच हमने सिंबल यूज़ किया था हॉट का, हॉट का मतलब वही वाली बात,
हमने कहा था कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से वर्षा कम है, वर्षा कम है लेकिन तापमान भी क्या है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। देखें थोड़ा सा ऊपर, वोट हमने किसके लिए यूज़ किया था, ये रहा, ये देखिए यहाँ पर जो एच है, एच वर्ड यूज़ किया हॉट के लिए, और हॉट ये कब, जब टेम्परेचर तो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक और वर्षा क्या हो 50 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम हो। तो इसको सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया है। अगर सिंबल को डिस्क्राइब करना हमने सीख लिया तो कोपेन का वर्गीकरण है वो हम कर सकते हैं। तो ये चार्ट है, ये हमें कम से कम इसकी 2 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि एक बार जो चार्ट हमारे दिमाग में आ गया, जैसा भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट को बना सकते हैं। अगर सीधा उस पर अप्रोच नहीं बन पाए तो चार्ट को बनाया और चार्ट के थ्रू क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा देखें यहाँ पर, देखिए ये सेकेंड वाला देखिए, बी एस एच, बी वर्ड है वो हमने किसके लिए था, शुष्क के लिए। एस एस जो वर्ड है ये अभी अभी यूज़ किया हमने सेमी के लिए। सेमी का मतलब हमने कहा कि जब हम 50 डिग्री सेंटीमीटर से कम वर्षा और 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक हो, उसको भी जब दो भागों में बांटते हैं, तो एक तो हमने वार्म्ड में बांटा था जहाँ पर 25 से ही क्या होगा वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो और 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रहता हो। दूसरी तरफ हम देखें तो एस जो है वो सेमी को रिप्रेजेंट करता है। सेमी का मतलब अर्ध शुष्क के लिए हमने यूज़ किया, और अर्ध शुष्क कब होगा, जब वर्षा तो होगी 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच, वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच का मतलब 25 सेंटीमीटर से अधिक हो, वर्षा 25 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक हो, तापमान हो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो ये जो है इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था सेमी या एस। फिर देखिए स्मॉल एच, एच का मतलब क्या आ गया, हॉट। ये जो एनवायरनमेंट है ये हॉट ही है, क्योंकि हॉट के अंदर ये सारा मामला चल रहा है। तो देखिए जब हमने इन सिंबल को डिस्क्राइब करना सीख लिया तो हम इस चार्ट को क्रिएट करना सीख जाएंगे, और एक बार जब हमने चार्ट को बनाना सीख लिया तो सिंबल के आधार पर हम जलवायु के बारे में भी बता सकते हैं। ये जो जलवायु है कार्ट वाली, इसके लिए हमने कहा था ये राजस्थान में उपस्थित नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल करने में कोई फ़ायदा नहीं। एक चीज़ और देखें हम यहाँ पर इसी चार्ट के अंदर, ये जो हमने कहा था कि दोनों ध्रुवों की तरफ 40 डिग्री जो अक्षांश है उस अक्षांश पर जलवायु जो होगी वो वनस्पति जो होगी, या जलवायु वनस्पति के आधार पर हम जलवायु को कहते हैं, उपोष्ण वर्ड हम यूज़ करते हैं, और उपोष्ण वही एरिया है जहाँ पर गंगा मैदान पाए जाते हैं, गंगा नदियों में मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक गंगा से हम क्या करते हैं सिंबॉलिक तौर पर जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल जी, और यहाँ पर गंगा मैदान के पतझड़ वन पाए जाते हैं। बस ये इतना सा इसका चार्ट है, इस चार्ट को हमें कम से कम 5-7 बार बनाना है, और इसके आधार पर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर और लेते हैं, कोपेन ने वर्षा के वितरण के आधार पर भी कुछ सिंबल दिए, और ये इनके सिंबल क्या है और इन सिंबल के आधार पर किसको रिप्रेजेंट किया गया है ये यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए शुरुआत के अंदर जो चार्ट बना था अभी थोड़ी देर पहले, उसके अंदर कैपिटल वर्ड ज़्यादा थे, यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों ही जो सिंबल हैं वो स्मॉल लेटर के अंदर है। ये जो स्मॉल एफ है इसका मतलब है फुल्ली रेनफॉल यानी वर्ष भर क्या हो जाए वर्षा हो। राजस्थान के अंदर ये परिस्थितियाँ उपस्थित नहीं हैं। दूसरा हम कहें कि ये जो स्मॉल एस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि समर इज एरिड, ग्रीष्मकाल हो वो शुष्क हो। क्या ग्रीष्मकाल शुष्क हो सकता है राजस्थान के अंदर, वर्षा जो है वो सामान्यतः ग्रीष्मकाल में होती है, और जब ग्रीष्मकाल में वर्षा होगी तो वो शुष्क नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये भी परिस्थिति राजस्थान में उपस्थित नहीं है, इसको भी हमने क्रॉस कर दिया है। देखिए तीसरा जो स्मॉल डब्ल्यू वर्ड यूज़ किया, देखिए कैपिटल डब्ल्यू था वो वार्म्ड के लिए था, वार्म्ड का मतलब शुष्कतम, और शुष्कतम कब, जब वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। यहाँ पर जो स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है विंटर इज एरिड यानी ग्रीष्मकाल सॉरी शीतकाल जो है ये शीत ऋतु शुष्क हो।
देखिए राजस्थान के अंदर ये परिस्थितियाँ बन सकती है, क्यों? क्योंकि मुख्य वर्षा जो है वो कब होती है, गर्मियों में होती है, और शीतकाल के अंदर सामान्यतः क्या होती है, वर्षा नहीं होती, सामान्य परिस्थितियों में वर्षा नहीं होती, और शीत ऋतु क्या रहती है, शुष्क रहती है। तो ये यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम चार्ट देखते हैं, और चार्ट के अंदर सिंबल के आधार पर इस कोपेन के वर्गीकरण को समझते हैं। देखें ये इस चार्ट को यहाँ पर थोड़ा देखें, देखिए हमने कहा था 23.5 डिग्री ये वाली जो है ये कर्क रेखा है, और राजस्थान जो है वो लगभग राजस्थान का हिस्सा है वो कर्क रेखा के उत्तर में या ऊपर की ओर स्थित है। तो यहाँ पर देखें कोपेन के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 और 4 और ये छोटा सा एरिया और 5, लेकिन मुख्य तौर पर देखें तो इसने क्या कर दिया, 4 जलवायु प्रदेश में राजस्थान को बांट दिया। पहला जो है इसके लिए देखिए सिंबल क्या यूज़ किया है, BWHW, बी कैपिटल है इसका मतलब शुष्क, W है वो कैपिटल है इसका मतलब वार्म, H स्मॉल है इसका मतलब हॉट, और ये जो लास्ट का W लिखा हुआ है रेड कलर के अंदर ये स्मॉल W है जो अभी अभी हमने पढ़ा था, विंटर इज एरिड यानी शीतकाल है वो कैसा रहता है, शुष्क रहता है। तो ये जो एरिया है राजस्थान का, ये जो उत्तरी पश्चिमी एरिया जो है जैसलमेर जोधपुर ये बीकानेर का कुछ भाग, ये सारा एरिया है ये किसके अंदर आ जाता है, BWHW के अंदर, जिसे शुष्कतम, या इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं डिटेल क्या है, इसे हमने रिप्रेजेंट किया BWHW से। दूसरा देखिए, दूसरा जो पोर्शन है इस पोर्शन के लिए सिंबल यूज किया है B, कैपिटल S, स्मॉल H, ये तीनों चीज़ें देखिए रिपीट है, केवल W की जगह यहाँ पर क्या हो गया, सेमी आ गया, और लास्ट में वही W स्मॉल। देखें B को डिस्क्राइब करो, B किसके लिए यूज़ किया था, B का मतलब था शुष्क, चार्ट के अंदर सबसे पहले ऊपरी ऊपर दे रखा था B का मतलब शुष्क। S जो है वो यूज़ किया किसके लिए, सेमी के लिए, और सेमी कब, जब वर्षा 25 सेंटीमीटर से अधिक हो यानी अर्ध शुष्क का वातावरण हो। स्मॉल एच का मतलब हॉट, हॉट होगा ही क्योंकि 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर है इस पूरे एनवायरनमेंट, इस पूरे स्थान का। लास्ट में यूज़ किया स्मॉल W, स्मॉल W अभी अभी पढ़ा था, विंटर इज एरिड यानी शीतकाल है वो कैसा रहता है, शुष्क। तो ये जो राजस्थान का ये पूरा जो भाग है, इस पूरे भाग को कोपेन के अकॉर्डिंग कहा गया BSHW। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो आगे देख लेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा सिंबल जो कोपेन ने यूज़ किया CWG, सी कैसा है, कैपिटल है। थोड़ा सा चार्ट में याद कीजिए, हमने सबसे पहले लिखा था उष्ण, और उष्ण के लिए हमने लिया था ए, कैपिटल ए, फिर हमने कहा था शुष्क, और शुष्क के लिए हमने लिया था बी, और तीसरा जो हमने लिखा था उपोष्ण यानी उष्ण के नज़दीक 40 डिग्री अक्षांश के बाद वाला एरिया, जिसके लिए हमने कहा था उपोष्ण। तो सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उपोष्ण को। नेक्स्ट देखें, सी के बाद हमने यहाँ पर लिख रखा है W, और W का मतलब, W कौन सा है, स्मॉल है, स्मॉल है इसका मतलब विंटर इज एरिड, जो पहले से यहाँ है शीतकाल है वो कैसा है, इस एरिया में भी शुष्क है। और जी देखिए, जी हमने गंगा मैदान के अंदर पतझड़ वन पाए जाते हैं उसके लिए रिप्रेजेंट किया था। तो CWG यानी सी का मतलब उपोष्ण हो गया, W का मतलब विंटर इज एरिड हो गया, और G का मतलब हो गया गंगा मैदान वाला क्षेत्र। तो ये देख सकते हैं ये एरिया जो है ये नदियों वाला क्षेत्र है, और गंगा गंगा की या जो इससे रिलेटेड नदियाँ हैं, इस क्षेत्र के कारण यहाँ की जलवायु CWG हो गई। कौन कौन सा क्षेत्र होता है आगे देखेंगे। चौथा और जो लास्ट पोर्शन जो कोपेन ने डिवाइड किया था जलवायु के अनुसार राजस्थान में, उसे देखिए AW का है, ए और W कैसा, स्मॉल। देखिए ए शुरुआत में ये चीज़ आ गई थी, ए हमने लिखा था उष्ण के लिए, उष्ण कौन सा एरिया था थोड़ा याद करें, तो हमने कहा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का पूरा एरिया, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का पूरा एरिया है वो उष्ण कटिबंधीय वातावरण, वहाँ पर जलवायु उष्ण कटिबंधीय थी।
देखिए फिर W आ गया स्मॉल, वही विंटर इज एरिड। अब इनमें सब में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर W, यहाँ पर W, यहाँ पर W और यहाँ पर W, इसका मतलब पूरे राजस्थान के अंदर जो शीत ऋतु है उसके अंदर सामान्य तौर पर वर्षा नहीं होती, और वर्षा नहीं होने के कारण शीत ऋतु है वो ज़्यादातर क्या रहती है, शुष्क रहती है, यानी विंटर इज एरिड, शीत ऋतु है वो शुष्क रहती है। ये चार भौगोलिक प्रदेश थे जलवायु के आधार पर जो कोपेन ने बांटे थे। दो चार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, इनको डिस्क्राइब करना है चार्ट के अकॉर्डिंग, चार्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए। एक और देख लें थोड़ा सा, ये जो माउंट आबू वाला एरिया है इसके अंदर जलवायु है वो अति आर्द्र जलवायु है, अति आर्द्र जलवायु। बस ये एक यहाँ पर थोड़ा हल्का सा दे रखा है, यहाँ पर राजस्थान का एक छोटा सा एरिया माउंट आबू यहाँ पर आता है, और यहाँ की जलवायु कैसी होगी कोपेन के अनुसार अति आर्द्र जलवायु होगी। बाकी अति आर्द्र जलवायु राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के अंदर शुष्कतम जलवायु है, शुष्कतम है, अर्ध शुष्क है, उपोष्ण है और उष्ण है, ये जलवायु राजस्थान के अंदर उपस्थित है। अब देखिए अभी अभी हमने मैप के अंदर ये सारे के सारे सिंबल पढ़े थे, मैप के अंदर हमें इनकी लोकेशन पता है कि ये जो सिंबल है ये किस एरिया के लिए यूज किए हैं, उन एरिया को अब डिस्क्राइब कर देते हैं कि वो एरिया कौन कौन से हैं, कौन कौन से ज़िले वहाँ पर आते हैं। देखिए सबसे पहला जो था BWSW था, जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर मैप के अंदर हमने दिखा रखा था। देखिए यहाँ पर शुष्कतम, शुष्कतम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बी से तो हो गया शुष्क, और डब्ल्यू का मतलब हो गया वार्म, यानी 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान क्या है ऊपर है, और 50 सेंटीमीटर से वर्षा है वो कैसी है, कम है। फिर हमने कहा गर्म मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, और गर्म मरुस्थल किस लिए, क्योंकि यहाँ पर वर्षा क्या हो गई थी, यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम बताई थी। BWSW के बारे में पीछे चार्ट में देखें तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, हमने सबसे पहले अगर चार्ट के अनुसार चलें तो 50 शुष्क है, शुष्क के बाद में हमने कहा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, फिर हमने कहा 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर, और उसके बाद में हमने कहा वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम। तो ये जो एरिया है ये राजस्थान का हो गया उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थलीय एरिया, और यहाँ पर ज़िले कौन से हैं, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान है लगभग, जैसे जैसलमेर ज़िला है वो इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि BWSW एरिया जो है उसको उसका प्रतिनिधित्व करने वाला ज़िला कौन सा है, तो यहाँ पर जैसलमेर। दूसरा देखें एरिया जो हमने लगभग मध्य वाला अरावली वाले प्रदेश को और शेखावटी वाले प्रदेश को भी साथ में लिया था, BSHW डिस्क्राइब कर सकते हैं, बी का मतलब शुष्क हो गया, एस का मतलब हो गया सेमी, यानी अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क का मतलब 25 सेंटीमीटर से वर्षा ऊपर, और ये एच का मतलब हॉट, यानी 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर है, और जो डब्ल्यू है वो सभी के साथ है, विंटर इज एरिड, यानी शीत ऋतु है वो शुष्क है। ये जो है सामान्य इसके बारे में जानकारी क्या है कि ये अर्ध शुष्क है, गर्म मरुस्थल है और शीत शुष्क है, देखिए इसी को डिस्क्राइब किया गया है। BS का मतलब क्या हो गया, BS का मतलब सेमी शुष्क हो गया यहाँ पर, और जो H है इसका मतलब गर्म मरुस्थल है, और जो स्मॉल W इसका मतलब विंटर इज एरिड, यानी शीत ऋतु है वो शुष्क है। देखिए यहाँ पर अरावली से पश्चिमी राजस्थान संपूर्ण अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये जो एरिया है ये किसके अंदर आता है, इस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है, और प्रतिनिधित्व करने वाला ज़िला कौन सा है यहाँ पर, नागौर। देखिए याद रखने के लिए हम यहाँ पर ये थोड़ा याद रख लें कि इस एरिया के अंदर अरावली वाला भाग आ जाता है, शेखावाटी का रीजन भी इसी एरिया के अंदर आ जाता है, और प्रतिनिधित्व वाला ज़िला कौन सा है, नागौर। देखिए सीधा क्वेश्चन आ जाता है ये जैसलमेर और नागौर, इन जिलों के बारे में चार ऑप्शन दे देते हैं, प्रतिनिधित्व ज़िला पूछ लेते हैं। तीसरा देखें, तीसरा हमने मैप के अंदर देखा CWG, और CWG के लिए हमने कहा था वही इसको डिस्क्राइब कर दो, सी हमने चार्ट में लिखा था, ए किसके लिए लिखा था, ए लिखा था उष्ण के लिए, बी लिखा था शुष्क के लिए, और सी हमने लिखा था उपोष्ण के लिए, तो सी तो यहाँ पर उपोष्ण। फिर हमने डब्ल्यू, डब्ल्यू को मतलब वही विंटर इज एरिड, शीत है वो शुष्क है, तो शीत शुष्क है, और जी जो है वो किसके लिए, गंगा मैदान, और गंगा मैदान में कैसी पतझड़ी, पतझड़ वन पाए जाते हैं उनके लिए। यहाँ पर देख लें कि चार्ट के अंदर जो था उसके अंदर क्षेत्र कौन कौन सा आता है, अरावली का कुछ भाग, पूर्वी मैदानी भाग, ये देखिए गंगा के मैदान की बात कर रहे हैं, गंगा मैदानी भाग, तो ये नदियों वाला जो पूर्वी मैदानी भाग है वो इसके अंदर एरिया आता है। प्रतिनिधित्व जिले कौन से, अजमेर और
टोंक। एक देखें नेक्स्ट, ए डब्ल्यू। ए का मतलब हमने उष्ण के लिए लिया था, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधी वही एरिया 23.5 डिग्री कर्क वाला, और वहां से लेकर के 23.5 डिग्री मकर तक। देखिए उष्ण है और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब वही हो गया शीत है, वो क्या हो गया शुष्क हो गया। ये दक्षिणी राजस्थान, चार्ट के अंदर हमने देखा था दक्षिणी राजस्थान का जो एरिया है वो इसके अंदर था, और कुछ भाग है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का भी है। यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व जिले हैं वो बांसवाड़ा या झालावाड़। एक देखिए, एक हमने अति आद्र जो क्षेत्र था वो भी इसी के अंदर था, अति आद्र क्षेत्र हमने चार्ट के अंदर देखा सब, थोड़ा सा पीछे देखें ये रहा। ये जो अति आद्र क्षेत्र है, इस अति आद्र क्षेत्र इसमें हमने कहा था माउंट आबू वाला जो एरिया है वो क्या होता है इस अति आद्र क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये हमारा चार्ट है वो कंप्लीट हुआ किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। ये देखिए, हालांकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा इसके अनुसार इस सिखवाल के अंदर दे रखा है, थोड़ा सा इसके अंदर और देख लें। देखें भूगोलवेत्ता जो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन थे, व्लादिमीर कोपेन, इन्होंने वनस्पति के आधार पर क्या कर दिया, जलवायु प्रदेशों को विभाजित किया। देखिए वनस्पति, इन्होंने दो या तीन स्टेप के अंदर अपना वर्गीकरण दिया था, वनस्पति को लिया, फिर उन्होंने तापमान को लिया, फिर बाद में इन्होंने वर्षा को भी शामिल कर लिया। तो देखिए निम्न जलवायु प्रदेश में राजस्थान को बांटा गया। एक देख लें इसके अंदर ए डब्ल्यू, देखिए सिंबल है और सिंबल को डिस्क्राइब करना करना हमने देख लिया है। तो देखिए इसके अंदर मुख्य जो ज़िले हैं वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, ये जिले आते हैं, और प्रतिनिधित्व जिला है ये हमें याद रखना है डूंगरपुर। तो ए डब्ल्यू वाला एरिया है जो हमने देखा था ना कि ये जो दक्षिणी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, प्रतिनिधित्व जिला यहाँ पर हमने देख लिया डूंगरपुर। नेक्स्ट जो इसने दे रखा है BSHW, वही इसको डिस्क्राइब कर लीजिए अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। बी शुष्क, एस का सेमी शुष्क था, अर्ध शुष्क हो गया, तो BS यानी क्या हो गया अर्ध शुष्क है ये। शुष्क में भी कौन सा है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क का मतलब हमने कहा था कि जहाँ पर वर्षा क्या हो रही है 25 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है, तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। एच का मतलब गर्म है, तो अर्ध शुष्क गर्म और विंटर इज एरिड यानी शीत ऋतु है वो शुष्क है। इसके अंदर हम कहें कौन सा एरिया आ गया, इसके अंदर ये जो मध्यवर्ती भाग आया था अरावली वाला शेखावटी प्रदेश हमने लिया था। देखें बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू सिकर जुन्नू शेखावटी प्रदेश है ये आ गया, और जैसलमेर का भी कुछ हिस्सा दक्षिणी भाग है वो इसमें आता है। प्रतिनिधित्व जिला हो गया नागौर, ये याद रखना है प्रतिनिधित्व जिला नागौर। तीसरा BWHW, और ये BWHW हमने सबसे पहले पढ़ा था, इसको पश्चिमी भाग जो है ये बी का मतलब बी और डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वार्म्ड यानी ये कैसा हो गया उष्ण मरुस्थलीय गर्म वाला जो प्रदेश है ये हो गया, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब वही विंटर इज एरिड। इसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर पश्चिम और ये उत्तरी पश्चिमी जोधपुर के भाग। देखिए चार्ट के अंदर हमने देखा था उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का ये जो भाग है स्पेशली मरुस्थल वाला भाग हो गया, जैसलमेर का हो गया, कुछ जोधपुर का भाग, कुछ बीकानेर का, गंगानगर का, ये वाला भाग प्रतिनिधित्व कौन करता है बीकानेर। नेक्स्ट देखें CWG, चार्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर दो। सी का हमने कहा था, सी जो था उसका मतलब था उपोष्ण, उपोष्ण, और डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का मतलब वही हो गया विंटर इज एरिड, और जी का मतलब हो गया यहाँ पर गंगा मैदान वाला। तो गंगा मैदान, और गंगा मैदान का मतलब नदियों वाला क्षेत्र, और नदियों वाला क्षेत्र राजस्थान के अंदर कौन सा है, पूर्वी जो दक्षिणी पूर्वी भाग है राजस्थान का, ये दक्षिणी पूर्वी भाग होता है। तो देखें ये दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान है ये इसके अंदर आता है, और इसका प्रतिनिधित्व जिला है वो कौन सा है टोंक है। तो देखिए ये कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण था, बहुत ही सिंपल एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जिसमें से सीधे क्वेश्चन आते हैं। इस सिंबल के आधार पर या तो प्रतिनिधित्व जिला पूछता है या सिंबल के आधार पर पूछ लेता है। तो ये साधारण साधारण सी चीज़ें हैं, 5-7 बार प्रैक्टिस करते हैं चार्ट हम बना सकते हैं वहाँ पर, और हर प्रकार के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। धन्यवाद।